है बेटी, अब खुशी साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतलता बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी, पूछो जिन्हें जिनके पास नहीं है बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाते हैं, पढ़ा के उसको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, खड़ा करके फिर उसकी शादी करेंगे। कार्गो ससुराल वाले क्या है, वो बेटी इंडिपेंडेंट होगी, नौकरी कर रही होगी तो वो अपना खर्चा खुद ही चला लेगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। जैसे अब ये महिला शक्ति केंद्र क्या है, महिला शक्ति केंद्र भी जैसे इधर ICDS डिपार्टमेंट से सुपरवाइजर मैम, CDPO मैडम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं ना सारे, सभी आपको बताते हैं ये स्कीम आई है, नहीं ये स्कीम आई है, ये पेंशन की स्कीम है, ये लेडीज की स्कीम है, ये बच्चों के लिए है ना। वैसे ही हमारा काम है, हम भी आपको क्या बताएंगे, स्कीम्स के बारे में बताएंगे। स्कीम्स के बारे में ही बताना हमारा मेन काम है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने किसके लिए चलाई है, महिलाओं के लिए चलाई है। महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं, उनके। मेरा नाम इतिका महाजन, मैं वुमेन वेलफेयर ऑफिसर महिला शक्ति केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन। मैं यहाँ ब्लॉक बनी में आई हूँ औरतों को उनके हकों के बारे में बताने, और जो भी हमारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हमारी औरतों को सशक्त करने के लिए हैं, उनके बारे में उनको बताने। जैसे कि हमारी स्कीम्स हैं औरतों के लिए, जैसे विडो पेंशन होगी, ओल्ड एज पेंशन, हमारी हैंडीकैप पेंशन, और जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व बंधु योजना हो गई, लाडली बेटी होगी, इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है और ये कैसे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आज जहां ब्लॉक बनी में एक छोटा सा प्रोग्राम था, और ये इस प्रोग्राम में मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी थोड़ा जोर दिया, और बच्चियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे छोटी छोटी पॉइंट्स बोली, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मैंने की एजुकेशनल किट्स की, और साथ में बेबी केयर किट्स की, और साथ में हमारे यहां पे DDC मेंबर जो है रीटा ठाकुर और हमारी CDPO मैडम शांति देवी भी इस प्रोग्राम में शामिल थी, उन्होंने भी मतलब मेरे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी बच्चों को हौसला अफजाई की, और उनके द्वारा उनको बच्चों को छोटी बच्चियों को लाडली बेटी की कॉपियां भी दी गई। महिला शक्ति केंद्र जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसके अंदर क्या है कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। हमारे चार कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को मतलब कंप्यूटर की एजुकेशन देना, और उसके अलावा महिलाओं को आज उनके जो राइट्स हैं, आज उनको कैसे कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ चलना है उनके बारे में बताना। आज की नारी जो है वो सशक्त है, अपने आप में पढ़ी लिखी है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। आज की नारी वो नहीं है जैसे कि पहले घरों में ही रहती थी, लेकिन आज की नारी घर का काम भी करती है और बाहर का भी करती है। तो मेन जो महिला शक्ति केंद्र का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम औरतों को एम्पावर करें, उनके राइट्स उनको बताएं, और उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, कौन सी स्कीमें चला रही है, उस चीज को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और अलग अलग ब्लॉक्स को कवर करेंगे।